अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे मज़े में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का अख्ताम हो गया, सऊदी अरब में आखिरी रोज़ा है। सऊदी अरब में पूरे 23 रोज़े हुए हैं, सुबह इंशाल्लाह ईद होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छा गुजरा है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमान बहन भाइयों के जो वो इबादत रोज़े अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉप पर, तो आज की जो रूटीन है आप लोगों से शेयर करते हैं। तो कोशिश करेंगे जो चीज़ कवर हो जाए आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह व्लॉग आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। भाई लोग शॉप पे पहुँचते ही सबसे पहले एक गाड़ी हुई थी, ये सामान उतारा है, वो फ्रीज़र में ले गए हैं कुछ सामान। ये जैद था साथ में, कुछ इस तरह का इसी कंपनी के चावल थे 10, वो उतारे हैं। अभी जो बचा हुआ इसको रखते हैं उधर। और पीछे के ये दोस्तों था महंगा मजम्मत यानी कि फ्रीज़र वाला, और ये कलेजिया ये भी थी। इसके अलावा चावल वगैरह भी था उधर रखा है। ये तबलिया खाली जो है ये लोड करते हैं कंपनी के, यहाँ पर पैलेट सारे लोड कर दिए इस गाड़ी में, ये उधर गोदाम में जाके उतारेगा। ये देखें दोस्तों कस्टमर का बहुत रश है, गाड़ियाँ आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं पैलेट लोड कर लिए। ये जो पैलेट लोड किए हैं जाकर वहाँ उतारेंगे गोदाम में, वहाँ से जो है वो पानी के 2-3 पैलेट लोड करके वापस आएंगे। कुछ इधर बकाले में उतारना है और कुछ जो है उधर दूसरी शॉप में देना है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई लोग पहुंच गए हैं गोदाम में, यहाँ पर ये पैलेट हैं, इधर उतारते हैं पैलेट के साथ गाड़ी के जो है वो आगे ये रख देते हैं, चाहते तो वो जब लोड करते हैं तो आगे ना जाए। इस लिफ्टर के साथ उतारेंगे पैलेट, फिर यहाँ से पानी पड़ा है वाला वो लोड करेंगे। रह रह
अलहम्दुलिल्लाह दोस्तों इसको लोड कर लिया, अभी जाते हैं दुकान पे, वहाँ जहाँ इसने उतारना है वो उतारेगा और मैं शॉप पे चला जाऊँगा। भी निकलते हैं यहाँ से। पहुंच गए दोस्तों अपनी दुकान के करीब, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए असर की, और ये जाकर उधर गाड़ी खड़ी कर देगा, बकाले के सामने पानी उतारेंगे। आज बहुत ज्यादा रश है क्योंकि आज आखिरी रोजा है, तो सामान सामान लोग लेना है ईद के लिए वो सारे ले रहे हैं, और ये हलीब उतारने वाले आए हुए हैं। हलीब मीन दूध, यानी कि दूध उतारने वाले आए हुए हैं। ये देखें ये सारा दूध है, वो भी दूध है, ये भी अल सऊदिया। इसकी जो तकलीफ वगैरह है तकरीबन इफ्तारी के बाद ही करेंगे, अभी टाइम जो है इफ्तारी का होने वाला है, तो कस्टमर का रश है, भाग दौड़ बाहर लगी हुई है। इतनी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना रहा मैं। भाई लोग पहुंच गए हैं दुकान पे फिर इफ्तारी के बाद, आज इशा से पहले आ गए क्योंकि आज आखिरी रात है, चांद रात है, तो कस्टमर होगा, तो अभी थोड़ी बहुत तरतीब वगैरह ये करते हैं और कस्टमर का जो सामान वगैरह है वो लोड करते हैं, इस गाड़ी में लोड करते हैं, और जो जो काम इधर करते हैं जो चीज़ हो सके कैच करेंगे, नहीं तो काम ज़्यादा है तो शॉर्टकट लेंगे इंशाल्लाह। ये देखें दोस्तों हलीब की तरतीब लग गई है, कि ये देखें जो पुराना था उसके ऊपर रख दिया, नहीं है कि जो नया था नीचे रख दिया, ये देख रहे हैं सारा। अभी जो जो बचा हुआ है इधर तरतीब कर रहे हैं उसकी, ब्लैक टी पी रहे हैं। अब ये देखें किस तरह बिल्कुल रफ तैयार हो गई है। अभी जो टाइम है 2:05 हो रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी सोना भी है लेकिन अभी सो नहीं रहे क्योंकि सुबह जो ईद नमाज पढ़नी है, अगर ईद नमाज पढ़नी है तो फिर हमें सोना नहीं पड़ेगा। तो मैंने बकरा वगैरह रेडी कर लिया, तो कुछ नाश्ते के लिए कुछ बना रहे हैं गोश्त, तो कोशिश हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ईद नमाज तक मतलब जागे, ईद नमाज पढ़ कर ही सोए, तो टाइम काफ़ी हो गया, थक हुए बहुत हैं, काम से लेट आए, फिर बकरा दम्बा बनाते रहें, तो आज के ब्लॉग इधर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, अगर अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़।